दोस्तों जहां 10 अप्रैल को बड़े मियां छोटे मियां के चर्चे थे, अब वहीं 10 अप्रैल को होने जा रहा है एक और धमाका। अजय देवगन की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है मैदान। फाइनल ट्रेलर मैदान में आ चुका है। दोस्तों यूं तो फुटबॉल पूरी दुनिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स में आता है, लेकिन अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की तो यहाँ तो क्रिकेट ही क्रिकेट के चर्चे हैं। लेकिन मैदान फिल्म आ रही है जो शायद इस खित्ते में फुटबॉल के गोल्डन इरा को वापस ला सके। ये फिल्म बहुत बार पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की जरा भी हाइप कम नहीं हुई है। और अभी जो ट्रेलर सामने आया है उसने तो हाइप का धमाका कर दिया है। जो एक एक शॉट सामने रखे गए हैं वो तो क्या ही बात है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है और सबसे बढ़ के एक रियल लाइफ स्टोरी है। मिस्टर सैयद अब्दुल रहीम जी की जो इंडियन फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं और वो दौर इंडियन फुटबॉल का गोल्डन दौर समझा जाता है। इस दौर में इंडियन फुटबॉल टीम ने किस तरह मेहनत करते हुए राइज किया था, इस फिल्म में इमोशंस के साथ वो सब कुछ दिखाया जाएगा। हाँ, सब कुछ वैसे सीन्स तो नहीं हो सकते, लेकिन आपको उस दौर की हर उस चीज की झलक जरूर नजर आएगी। और अगर आप फुटबॉल लवर हैं तो ये फिल्म आपको लाजमी देखनी चाहिए। जिस तरह इस फिल्म में मोटिवेशन, ड्रामा, सस्पेंस, इमोशन, रियल लाइफ कहानी, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, ऊपर से अजय देवगन साहब भी हैं, तो ये फिल्म लाजमी ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा कास्टिंग में इतनी ज्यादा मेहनत की है कि जितने भी एक्टर सिलेक्ट किए हैं, पहली बात तो उन्हें फुटबॉल खेलना आना चाहिए और दूसरी बात उनकी शक्लें भी ओरिजिनल प्लेयर से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हूँ। इसके साथ साथ AR रहमान जी का म्यूजिक है जो ट्रेलर में ही क्या जबरदस्त लग रहा है, तो फिल्म में तो क्या ही कमाल करेगा। भाई इस फिल्म को सिर्फ स्पोर्ट्स ड्रामा समझने की गलती मत करना, इसमें एक्शन, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ड्रामा, सस्पेंस सब कुछ देखने को मिलेगा। अजय देवगन की मूवी है, सो फैमिली और फ्रेंडली तो होगी ही। सो तारीख याद रखें 10 अप्रैल। अब देखते हैं क्या बनता है इस मूवी के साथ। आपने अगर ट्रेलर देखा है तो आपको कैसा लगा ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक अच्छे से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए।